अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ग्रो अप विद हुरब। आज हम बनाएंगे स्पेशल मक्खन तड़का दाल। थोड़ा सा ऑयल लेना है, ऑयल आपने पतीली में डाल लिया, ये मैंने ऑयल पतीली में डाल लिया है। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, ये मैंने बना के रखा हुआ है। 1 टेबल स्पून मैंने डाल दिया है। ऑयल मेरा गर्म हो रहा है, इसको हल्का सा हमने ब्राउन करना है और ब्राउन करने के बाद हमने इसमें पानी ऐड कर देना है। और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसमें प्याज टमाटर ऐड नहीं होते और बहुत मज़े की दाल बनती है। तो आज हम आपको बना कर दिखाते हैं। ये मैंने मूंग की दाल और मशरूम की दाल हाफ हाफ क्वांटिटी में ले ली है। मतलब अगर आपने एक गिलास बनानी है, एक प्याली बनानी है, तो हाफ हाफ आपने हाफ प्याली आपने मशरूम की दाल ले लेनी है और हाफ प्याली आपने मूंग की दाल ले लेनी है। अब ये हमारा लहसुन जो है, ये जब हो जाए तो इसमें हमने पानी को ऐड कर देना है। ये मैं पानी इसमें ऐड कर दिया है। अब जब पानी में बबल्स आना शुरू हो जाएं तो आपने इसमें नमक मिर्च भी ऐड कर देनी है, हल्दी ऐड करनी है, सब्ज़ मिर्चें ऐड करनी है और उसके बाद वो जो दाल हमने साफ़ करके रखी हुई है वो डाल देनी है। ये पानी में बबल्स आना शुरू हो गए हैं। अब मैं इसमें मसाले डाल दूँगी, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर और नमक। ये आप हसब ज़रूरत ले सकते हैं। मैंने वैसे हाफ टी स्पून हल्दी लिया है, 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी डाली है, हाफ टी स्पून नमक 1 और लाल मिर्च 1.5, और ये थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें हैं तकरीबन 8 से 10 क्रश की हुई हैं, ये भी आप इसमें ऐड कर देंगे। और इसके साथ ये दाल को मैंने धो लिया है, इसको भी इसके अंदर डाल देंगे हम। ये मैंने इसमें दाल डाल दी है, अब ये पकती रहेगी। और इसमें पानी तकरीबन आपने 3 गुना कर लेना है। मतलब अगर आपने एक गिलास या एक प्याली दाल ली है तो उसका 3 गिलास या 3 प्याली आपने पानी डाल देना है। तो इसको आपने पकने देना है और ये इसकी मतलब लुक हम आपको दिखाएंगे किस तरह कर दिए। गाढ़ी नहीं होगी, ज़रा पतली पतली सी ये दाल बनेगी। और नेक्स्ट भी हम आपको बताएंगे साथ साथ इसके साथ क्या करना है हमने। अब इसकी फ्लेम ये देखें, मैंने लाइट सी कर दी है, ब्लू फ्लेम आप कर दें, बिल्कुल लाइट सी फ्लेम कर दें और इसको ढक दें और पकने के लिए रख दें। ये हमारी दाल ये देखें पक पक के बिल्कुल यकजान हो गई हैं दोनों दालें मिक्स हो के। और इसके साथ हमने क्या करना है, ये मैं साथ एक पैन में मक्खन का एक मैंने पेड़ा रखा है, इसको ज़रा मेल्ट करेंगे, सारा नहीं हाफ लेंगे इसमें से। और लहसुन के 5 जवे उसको गोल गोल मैंने काट लिए। ये लहसुन के तकरीबन 4-5 मेरे पास जवे जो थे वो काफ़ी मोटे थे तो ये इतना हो गया है। अब ये देखें इसमें से ये जब हाफ हो जाएगा तो मैं इस मक्खन के पेड़े को निकाल लूँगी और उसमें मैंने लहसुन को ब्राउन करना है और दाल में लहसुन का तड़का लगाना है। ये तकरीबन हाफ मेल्ट हो गया है, इसको हाफ को हम इस तरह से निकाल लेंगे। मैंने साइड से कर दिया और इसमें ये लहसुन जो है इसको सबको डाल देना है। इसको इसमें ब्राउन कर लेंगे हम और फिर इसका हम तड़का लगा देंगे। ये देखें ये एक अच्छा सा गोल्डन ब्राउन इसका कलर हो गया है। अब हम इसको दाल में डाल दिया ये, और देखें दाल की कंडीशन आप देखें कि दाल बहुत अच्छे से यकजान हो गई है, दोनों दालें बहुत अच्छे से मिक्स हो गई हैं। ये हमारी दाल रेडी हो गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा सब्ज धनिया डाल दें और अच्छे से गार्निश कर दें। ये मज़े की दाल रेडी हो गई है, ये बहुत मज़े की बनी है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे।